नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। जैसे कि हम हर बार जो है नए नए यहाँ पे व्यक्ति और वैज्ञानिक हमारे बीच होते हैं, इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच आरआर कैट इंदौर से जो वैज्ञानिक जी के पद पे वहाँ पे कार्य कर रहे हैं डॉक्टर के एस बर्तवाल साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। बर्तवाल साहब, यहीं गढ़वाल यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से आपने पीएचडी किया, और तत्पश्चात आप वैज्ञानिक के तौर पे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो दिल्ली में भौतिक प्रयोगशाला है वहाँ पे भी आपने 90 से 93 तक आपने काम किया, और उसके बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो हमारे भारत सरकार का वहाँ पे आर आर कैट इंदौर में अवस्थित है प्रयोगशाला में आप 25 साल से ऊपर वहाँ पे वैज्ञानिक के तौर पे आप अनुसंधान कर रहे हैं, और आप विभिन्न प्रोजेक्ट से वहाँ पे जुड़े हैं। आपके लगभग 250 से ऊपर आपने शोध पत्र विभिन्न जो नेशनल इंटरनेशनल और विभिन्न कॉन्फ्रेंसों के जरिए आपके द्वारा पब्लिश किए गए हैं, ऐसी विभूति हमारे साथ हैं। और चूंकि आप यहीं उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो मैं चाहूँगा साहब कि आपके द्वारा, क्योंकि आपका इतना बड़ा अनुभव रहा है और अभी भी आप जो ऑप्टिकल एंड कंपोजिट मटेरियल लेबोरेटरी है वहाँ पे उसको हेड कर रहे हैं, तो मटेरियल साइंस में आपका बहुत बड़ा अनुभव है, तो मैं चाहूँगा क्योंकि मटेरियल साइंस हमारे चाहे वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, चाहे हमारे फिजिक्स का हो, इंजीनियरिंग का हो, सबके लिए एक कॉमन सा भी एक सब्जेक्ट हो जाता है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप और एक सोशल साइंस के बैकग्राउंड के लिए भी, क्योंकि मटेरियल बिना मटेरियल के कुछ भी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि इन सारे बैकग्राउंड को लेते हुए मटेरियल साइंस पे आप हमारे स्टूडेंट को फोकस करने का कोशिश कीजिएगा। बर्तवाल सर, थैंक यू डॉक्टर नड्डा जी, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उत्तराखंड के लोगों के लिए अपने द्वारा पिछले 30 सालों के मेरे जो रिसर्च कैरियर है उसमें जो मैंने मेटल साइंस से रिलेटेड काम किया है, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स होने के कारण हम लोग मेटल साइंस को ज़्यादा करते हैं, तो मेटल साइंस में जो मेरा पिछले 30 साल का अनुभव है उसको यहाँ पे मैं शेयर कर सकूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ के जो छात्र हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग छात्र हों, चाहे बेसिक साइंसेस के छात्र हों, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस तरह से मेटल साइंस जो है सभी में एक जैसे ही काम आता है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने रिजल्ट्स को शेयर करूँ और एक बेसिक जनरल जो व्यू है मेटल साइंस के बारे में लोगों का उसको एक समझा सकूँ कि एक्चुअल मेटल साइंस है कितना इम्पोर्टेंट, और मैं इसको कोशिश करूँ कि मैं सिविलाइजेशन से शुरू करके देन मॉडर्न मेटल साइंस पे आऊँ, जो कि आजकल हम लोग कर रहे हैं, जिसका कि इम्पोर्टेंस डे टू डे लाइफ में क्या होता है वो मैं आपको दिखा पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरे परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नटिया साहब, और मुझे सबसे खुशी ये होती है कि मेरे लिए होम कमिंग होता है हमेशा से, कमिंग टू उत्तराखंड मुझे लगता है कि मैं घर आया हुआ हूँ, और यहाँ के लोगों को अगर मैं कुछ दे सकूँ नॉलेज बेस्ड तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सर। मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, आप हमारे गवर्निंग काउंसिल के भी एक सम्मानित सदस्य हैं, तो हर बार आपका सहयोग मिलता रहता है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। आप अपना हमारे छात्रों को मटेरियल साइंस के बारे में बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर नटियाल साहब, एज हैज बीन टोल्ड दैट आई हैव टू गिव माय लेक्चर ऑन मटेरियल्स, सो आई चूज द टॉपिक ऑफ मटेरियल्स एंड द सिविलाइजेशन, और
because this lecture is for the student of Uttarakhand and the bachelor's and postgraduate students. So I will be talking more in Hindi, and then some portion of that I will be talking in English because my slides are in English. So I have to go with that. The topic is basically materials and civilization, and I will tell the importance of materials in life. And our civilization went with the materials age, and most of our eras has been named after the materials invented during that particular period. So I will show in my slides that how these materials were named and invented, and then being be used for the development of the society. So first, let me talk that why materials. So actually, as I have told, that the civilization, the evolution of civilization went along with the materials. Materials have played an important role in our civilization, embedding the political history and the culture. Entire eras has been named after those materials invented in that time. मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये मेटल्स के साथ ही निकला है, और पूरी की पूरी जो ईराज हैं, जो समय है उस वक्त का, वो उस वक्त ये मेटल्स जो इन्वेंट किए गए हैं उनके नाम पे रखा गया है. एंड अर्ली ऑन द पीपल यूज द नेचुरल मेटल्स. पहले जमाने में, पहले वक्त में, इनिशियल स्टेजेस पे लोग केवल वही मेटल्स यूज करते थे जो नेचर में अवेलेबल थे. लेकिन आज we went for the synthetic materials, और laboratories में, factories में materials बनते हैं, और वो materials ज़्यादा use होते हैं बजाय दो जो natural materials हैं, जैसे stone है, clay है, skins हैं, wood हैं, ये जो पहले ज़माने में use होते थे. And for example, if you look at our households, अगर आप अपने घर में देखें, our houses, our kitchenwares, our utensils, our drawing room things, luxuries, clothes and mobile phones and everything, whatever we use today, everything is made of materials. मैं कहना क्या चाह रहा था कि घर में, चाहे आप घर हो या घर के अंदर रखी हुई चीजें हो, सारी की सारी चीजें मेटल्स के द्वारा ही बनी हुई होती हैं. इन मेटल्स के इसलिए इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, कोई भी चीज बिना मेटल्स के नहीं बनते, चाहे वो ऑर्गेनिक मेटेरियल्स हो, चाहे इनऑर्गेनिक मेटेरियल्स हो, चाहे नेचुरल मेटेरियल्स हो, चाहे सिंथेटिक मेटेरियल्स हो, एवरीथिंग इज मेड ऑफ मेटेरियल्स. एंड दिस particular subject which study the materials, those materials is known as material science, but it integrates physics, chemistry, biology, engineering and all subjects, even the earth sciences is integrated with the material science. Everybody study the material science, all different branches of science, basic sciences and the engineering study the material science. Yes. As I have told that everything is made of materials, and those materials have played an important role in our day-to-day life. Materials, if you look at the development of nation, the developed nation and the developed economy in the world, they are the best producer of the materials. The developed countries and developed economy are those which produce more materials and which have the capability to produce material. कहने का मतलब ये है कि जो डेवलप्ड नेशन है या डेवलप्ड इकोनॉमी है दुनिया की, वो देश हैं, वो कंट्रीज हैं जहाँ की मेटल्स प्रोसेसिंग की, प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा डेवलप्ड है. इफ़ यू कंपेयर रशिया, यू कंपेयर अमेरिका विद इंडिया, सो दे आर मच अहेड ऑफ अस इन प्रोड्यूसिंग द मटीरियल्स, इन प्रोसेसिंग द मटीरियल्स. देन ए मॉडर्न मटीरियल इकोनॉमी इज नो बेटर देन इट्स बेस्ट materials. Modern industrial जो economy है, इसका मतलब क्या है कि they are the best producer of materials. And if we look at the example where we came from and where we reach today, I will tell you from the stone age, पाषाण युग से अगर हम बात करें तो पाषाण युग से आज steel plane पे हम आ गए हैं. Steel planes means the plane which we cannot see by any means. कहने का मतलब ये है कि जो invisible plane है वो भी materials की वजह से है. We produce the material, उसकी polish, उसकी कोटिंग, एक मेटल्स की कोटिंग उस प्लेन पे कर देते हैं तो वो दिखता नहीं है. फिर दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा कार्बन नैनो ट्यूब्स का, जो कि बाल से करीब 1000 गुना ज़्यादा पतला होता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो सेल लेवल पे ड्रग डिलीवरी में यूज होता है. यू कैन डिलीवर द ड्रग
इन एट अ सेल लेवल इन द बॉडी, दूसरा उससे आप इस तरह से सिंथेटिक चीज़ें बना सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील से भी ज़्यादा हो सकती है, होती है। तीसरा एग्जांपल पे तो होगा C60 गियर्स की। C60 एक मॉलिक्यूल होता है, कार्बन के 60 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको C60 मॉलिक्यूल बोलते हैं। उस एक मॉलिक्यूल से गियर बना सकते हैं, मैकेनिकल गियर बना सकते हैं, विच विल एक्ट एज ए मैकेनिकल गियर बट एट द बायोलॉजिकल सिस्टम वेर वी रिक्वायर दैट फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम और रोटेटिंग द DNA स्ट्रक्चर, DNA मॉलिक्यूल। फिर एग्जाम्पल मैं दूंगा क्यूरियोसिटी रोवर का। क्यूरियोसिटी रोवर इज ए मशीन विच हैज बीन सेंट बाई नासा ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स सम 4-5 years ago. इट इज वर्किंग देयर, बट एग्जाम्पल आई एम साइटिंग हियर इज बिकॉज कि क्यूरियोसिटी रोवर्स में आपके ग्लासेस लगे हुए हैं, आपके कैमरा लगा हुआ, आपका UV2 IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा हुआ है जो कि हमारे लेबोरेटरी सिस्टम में यूज होता है, वही सिस्टम वहाँ पे लगा, लेकिन उसमें मेटेरियल्स कुछ इस तरह से यूज हुए हैं कि जो कि वहाँ का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री प्लस से लेके -250 डिग्री सेल्सियस तक है, उस सिस्टम को उस कंडीशंस में, उस हार्स कंडीशंस में वर्क करना है, इसलिए वो मटेरियल्स कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं ताकि -250 पे काम करें। अगर आप घर में देखें, अगर बाथरूम में अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है और आपने उसको शावर यूज किया है तो आपकी कोटिंग एक मिरर पे आ जाती है, वो मिरर पे इसलिए कोटिंग आ जाती है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है प्लस उस वाटर का टेम्परेचर है जब हम हॉट वाटर से बात लेते हैं तो एक लेयर आ जाती है, इट इज़ जस्ट बिकॉज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। वही कंडीशन अगर मार्स की सर्फेस पे -200 डिग्री सेल्सियस पे हो तो पूरी की पूरी हमारा जो सोलर पैनल उसमें लगा हुआ है, उस पैनल पे अगर वो वाटर की लेयर जम जाती है तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, या वो कैमरे के लेंस पे आ जाती है तो कैमरा काम नहीं करेगा। बट दोस मटेरियल्स आर मेड इन सच ए वे दैट दिस हार्स environmental effects does not stop working of this particular rover to work as a camera, to work as a spectrophotometer, to work as a energy producer for that particular rover. वहाँ से हम पहुँचे information age पे, आज हम DNA structure भी समझ सकते हैं और हम लोगों ने, मतलब आज के वैज्ञानिकों ने DNA structure भी समझ लिया है, we can understand our DNA, we can solve the structure of DNA and we can produce the ड्रग विच कैन डायरेक्टली वर्क एट द DNA लेवल, जिसको कि स्टेम सेल आजकल इलाज बोलते हैं, स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं, कि जिसमें हम DNA मॉलिक्यूल को जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी हेरिडिटरी डिजीजेस होते हैं, जो बंस से जो डिजीज आती हैं वो जनरली दवाइयों से ठीक नहीं होते, लेकिन उसमें अगर DNA स्ट्रक्चर को इंजीनियर किया जाए, जिसको कि DNA इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसमें स्टेम सेल के द्वारा ड्रग को DNA स्ट्रक्चर में डाल करके, DNA स्ट्रक्चर को रोटेट करके या चेंज करके वो वंशानुगत जो बीमारियां हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। सो दिस इज मेटल्स हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन एज टू द DNA एज टुडे। सो बनी पाषाण युग से लेके और आज DNA अंडरस्टैंडिंग तक मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स देकर के समझाने की कोशिश की कि मेटल साइंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेटल्स के इन्वेंशन के वक्त, जिस वक्त में, जिस पीरियड में, जिस पर्टिकुलर पीरियड में मेटल का इन्वेंशन हुआ, उस पीरियड को उसी मेटल के नाम पे रखा गया। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, स्टोन एज, पाषाण युग, उसके बाद आया ब्राउन एज, उसके बाद आया आयरन एज, उसके बाद आया कंक्रीट एज, फिर पॉलीमर एज, फिर सिलिकॉन एज, एंड नाउ वी हैव रीच टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज। मतलब हमने पाषाण युग से शुरू करके आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज में आ गए। तो उस पर्टिकुलर वक्त में, उस पर्टिकुलर ईरा में जो मेटेरियल इन्वेंट हुए, उस मेटेरियल की जो इम्पोर्टेंस थी उसके नाम पे उस ईरा का नाम पड़ा है। तो आज की डेट में हम लोग, ऐसा नहीं पुराने यूज नहीं हो रहे, पर आज हम लोग बहुत ही एडवांस स्टेज में मेटल्स के पहुंच गए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांजिस्टर, जिसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है इंफॉर्मेशन यूज। एक ट्रांजिस्टर में हम एक चिप में 1 बिलियन ट्रांजिस्टर हम लगा सकते हैं आज की डेट में। दिस इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी इन मेटेरियल साइंस, है ना। तो हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस समय के हिसाब से बढ़ता भी जा रहा है और समय के हिसाब से हम उसमें प्रोग्रेस भी कर रहे हैं कि हम बनाने की कैपेबिलिटी हमने डेवलप कर ली है। अब मैं टॉप 10 हिस्टोरिकल मेटल्स डेवलपमेंट की बात करूंगा कि जो आज तक सिविलाइजेशन में जो टॉप 10 मेटल्स इवेंट्स हैं, मतलब इतने 10 डेवलपमेंट्स हैं, 10 इन्वेंशन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया सोसाइटी को। जैसे उसमें है पीरियोडिक टेबल,
टेबल, मैंने सब इस उसकी टाइम भी लिखा है, पीरियोडिक टेबल है, फिर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन के हम बड़े बड़े चीज समझ सकते हैं, बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देन ट्रांजिस्टर्स 1948 का जो आया उसकी वजह से आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, देन कम्स ग्लासेस, ग्लासेस से आज हमारे कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पे हम मेटल यूज नहीं कर सकते, वी नीड द ट्रांसपेरेंसी, वी नीड द लाइट वेट, वी नीड द हार्डनेस, वी नीड द हार्ड बेसिक इंसुलेटर फॉर हीट, इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सो ग्लास उसमें आ गया, देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टू अंडरस्टैंड दोज मटीरियल्स, देन कम्स मॉडर्न कंक्रीट जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, घर बनते हैं, पुल बनते हैं, ये कंक्रीट एज आ गए, देन क्रूसिबल स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर, देन कॉपर एक्सट्रैक्शन एंड कास्टिंग जो कि 5000 BC में ही हो गया था, मतलब बीसी 5000 BC जो कि करीब 7000 साल पहले हम लोगों ने इसको इन्वेंट कर दिया था, देन एक्सरे डिफ्रैक्शन जिसकी वजह से आज हम डीएनए स्ट्रक्चर तक समझ सकते हैं, दिस इज एक्सरे डिफ्रैक्शन, देन बेसमर प्रोसेस, लो कार्बन स्टील जिसको हम स्टील बोलते हैं आजकल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल हो गया है जो कि जिसपे जंग नहीं लगता या जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो 10 में बहुत सारे हैं, पर मैं 10 इसलिए जो 10 टॉप मोस्ट मोमेंट्स हैं मटेरियल्स में जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, पूरी की पूरी जो मेटल साइंस है चेंज हुई है, ये मैंने आपको लिस्ट आउट किया है। तो रिफ्लेक्शन से मिट्टी शो करते हैं, बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाई, इसलिए सबको अच्छी लगती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मिट्टी ऑफ द मैन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द मैन, अमेरिकन को भी अच्छा लगे तो हिंदुस्तानी को भी अच्छा लगता है, बच्चे को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है, क्यों अच्छी लगती है, उसमें सिमेट्री है, सिमेट्री हमेशा प्लीजिंग होती है, इसलिए नेचर भी अपनी कई सारी चीज़ों को सिमेट्रिक बनाती है। उसी तरह से अगर आप एक फ्लावर लें, फ्लावर के पेटल्स लें, उसमें रोटेशन सिमेट्री होती है, बटरफ्लाई में मैंने कहा रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, फ्लावर में रोटेशन सिमेट्री होती है, फ्लावर किसी भी कोई भी फ्लावर हो उसमें सिमेट्री हमेशा होगी, और उस सिमेट्री होने के कारण ही वो प्लीजिंग लगता है, इसलिए फ्लावर भी सबको प्लीजिंग लगता है। देन यू कम टू द ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट अगर कुछ इस तरह से आपके पास है कि अगर उसको 80 डिग्री घुमाए तो, 90 डिग्री घुमाए तो, 120 डिग्री घुमाए तो उससे उसी फॉर्म में वापस आ जाता है, दिस इज वॉट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन सिमेट्री और द रोटेशन सिमेट्री, आपने उसको किसी भी एंगल से घुमाया वापस उसी फॉर्म में आ गया। देन यू कम टू द नेचुरल क्रिस्टल लाइक डायमंड, डायमंड में भी सिमेट्री, डायमंड का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में 4-fold भी होता है और 6-fold भी होता है, अगर उसको 90 डिग्री घुमाएंगे, अगर उसको 120 घुमाएंगे, अगर आप 360 घुमाएंगे वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा, इफ इट इज ए एक्सिस बी एक्सिस एंड सी एक्सिस बाय 90 डिग्री एंगल बिटवीन दैम, तो ये हमेशा 90 डिग्री या 90 के किसी भी मल्टीपल से अगर आप इसको घुमाते हैं, रोटेशन सिमेट्री देते हैं, तो ये हमेशा वापस उसी फॉर्म में आता है। उसी तरह स्क्वार्ज का एग्जांपल ले सकते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम, इट हैज अ 4-fold सिमेट्री, उसमें भी वही चीज वापस आ जाती है, अगर आप 60 डिग्री घुमाते हैं, 120 डिग्री घुमाते हैं, 180 डिग्री घुमाते हैं, और सिमिलर जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो आपके जो सिंथेटिक क्रिस्टल्स होते हैं जो लेबोरेटरी में बनते हैं उनमें भी वही चीज लागू होती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस तरह से नेचर में सिमेट्रिक एलिमेंट्स के कारण किसी भी चीज की ब्यूटीफुलनेस को डिफाइन करते हैं, ब्यूटीफुल मीन्स ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस मीन्स जो आंखों को प्लीजिंग लगे। अब आंखों को प्लीजिंग कौन सी चीज लगती है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको जो ब्यूटीफुल लगता है वो मुझे नहीं लगता, ऐसा हो नहीं सकता, जो अच्छी है वो सबको अच्छी लगेगी, क्यों, उसमें सिमेट्री है। सो ब्यूटीफुलनेस की जो डेफिनेशन अब हो गई है, इट इज नॉट दैट समथिंग इज ब्यूटीफुल, इट मीन्स दैट समथिंग हैज मोर नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, इसलिए वो ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल सबके लिए है। ये नहीं कह सकते कि एक चीज जो अच्छी लगती है वो दूसरे को अच्छी नहीं लग सकती, नो वे, वो अच्छी है तो अच्छी है क्योंकि उसमें सिमेट्री एलिमेंट सबसे ज्यादा, तो नेचर भी प्रिजर्व करता है सिमेट्री एलिमेंट्स और हम लोग लेबोरेटरी में जो क्रिस्टल बनाते हैं दे प्रिजर्व द सिमेट्री एलिमेंट्स। तो इस तरह से हम अगर ये कहें कि ब्यूटीफुलनेस इज नथिंग बट द मोस्ट मोर नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, देन दिस इज नॉट रॉन्ग इन दैट सेंस, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्यूटीफुलनेस की जो डेफिनेशन है वो है सिमेट्री एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ज्यादा है वो ज्यादा प्लीजिंग लगेगी, कम है तो कम प्लीजिंग लगेगी। अगली का हो सकता है, अगली कोई चीज लगती है उसमें सिमेट्री बिल्कुल भी ना हो, अगली लग सकती है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा मैं कार्बन का, जो कार्बन एलिमेंट है, कार्बन केमिकली जो है 6 एटॉमिक नंबर एंड 12 एटॉमिक मास, उसको बोलते हैं कार्बन। कार्बन के कई फॉर्म्स होते हैं,
वही कार्बन है, केमिकली कार्बन है, अमॉर्फस भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है, क्यूबिक भी होता है, इसके अलावा भी और होते हैं, मैं अगले स्लाइड में उनको आपको दिखाऊंगा, पर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो नॉर्मल कार्बन है, जो अमॉर्फस कार्बन है, अगर रास्ते में गिरा हुआ है, इट इज़ ऑफ नो कॉस्ट, उसकी कोई कीमत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट उसी कार्बन को अगर आपको क्यूबिक फॉर्म में मिल जाए, अगर उसकी सिमेट्रिक क्यूबिक स्ट्रक्चर ले ले, वो डायमंड हो जाता है। केमिकली सेम कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, लेकिन एक कार्बन जो है आपका डायमंड है और एक कार्बन आपका अमॉर्फस कार्बन है, कोयला है, जिसका की कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा जो है ग्रेफाइट है, अगर उसका हेक्सागोनल सिमेट्री होगी तो ग्रेफाइट होगी, जो पेंसिल के आपकी लीड होगी जो हम रोजाना यूज करते हैं, दैट इज ग्रेफाइट कार्बन। कार्बन ही है, तीनों कार्बन है, पर एक ग्रेफाइट है, एक रुपए में पेंसिल मिलती है, एक अमॉर्फस है, मुफ्त मिल जाता है, ऑलमोस्ट सड़क पे गिरा हुआ मिल जाएगा, एक क्यूबिक डायमंड है जो कि आप खरीद नहीं सकते, इतना कॉस्टली होता है। जस्ट चेंजेस सिमेट्री एलिमेंट, तो सिमेट्री एलिमेंट्स का इतना बड़ा रोल होता है एक मटेरियल्स में कि वो क्या स्ट्रक्चर लेता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस भी हो जाती है, उसकी कॉस्ट भी हो जाती है। तो दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन द मटेरियल्स। अब आइए कि कार्बन के यही तीन फॉर्म्स थे क्या? नो, कार्बन के इस तीन फॉर्म्स के अलावा भी ज्यादा और फॉर्म्स है, उनको बोलते हैं एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। एलोटॉप्स ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स, इसमें केमिकली वो कार्बन है, केमिकली वो 6 एटॉमिक नंबर एंड 12 एटॉमिक मास है, बट बाय चेंजिंग द सिमेट्री, बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कार्बन, यू कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया, कार्बन डायमंड है, दूसरा हेक्सागोनल है, पेंसिल की लीड ग्रेफाइट है, तीसरा जो अमॉर्फस है, उसके बाद जो है आपका कार्बन नैनोट्यूब्स है, उसके बाद जो है C60 मॉलिक्यूल है। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ये इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है टेक्निकल एप्लीकेशंस के लिए, बट चेंज इसमें केवल इतना है कि दे हैव डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स इन देम, दे हैव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा चेंज आ जाता है एक मटेरियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर जरा भी चेंज हो जाता है, यानी सिमेट्री एलिमेंट चेंज हो जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो वो डायमंड से अमॉर्फस हो जाता है, अमॉर्फस हेक्सागोनल हो जाता है, और बाकी के मटेरियल्स भी, इट इज एग्जांपल ऑफ कार्बन, लेकिन बाकी के मटेरियल्स में भी यही चीज लागू होती है, कम और ज्यादा स्वरूप हो सकते हैं, तो उसमें भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। तो अब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से, तो हमने जब आपने 12th में पढ़ा होगा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, है ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और उसमें कुछ ब्रेविस लैटिसेस होते हैं, यानी क्रिस्टल सिस्टम्स मींस आप उन एटॉमिक जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो केवल 7 तरीके हैं जिस जो मेटल्स ले सकते हैं, अभी तक 8वां क्रिस्टल सिस्टम नहीं है। 1910 में पहली बार क्रिस्टलोग्राफी के जब खोज हुई थी तो तब जो है एक 7 क्रिस्टल सिस्टम आए थे, आज तक भी अभी 7 ही सिस्टम है। 7 के डिफरेंट ब्रेविस लैटिसेस में ज्यादा होते हैं, उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, बिकॉज आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपने इसको, अगर आप MSc में है, BSc में है, आपने पहले से ही इसको शुरू किया है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे क्यूबिक का एक एग्जांपल ले लें, तो क्यूबिक के 3 ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल है, जैसे पी मींस प्रिमिटिव, आई मींस बॉडी सेंटर, एंड एफ मींस फेस सेंटर। कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक क्यूब लें, क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे एक एक एटम बिठा दें तो प्रिमिटिव हो गया, बाकी जगह कोई भी एटम नहीं है, एटम सारे कॉर्नर्स पे है, 1 एटम इज शेयर्ड बाय 8 कॉर्नर पे होगा, तो 8 से शेयर करेंगे उसको, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव सिस्टम। दूसरा है आई मीन्स बॉडी सेंटर, 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, लेकिन एक एटम बॉडी सेंटर पोजीशन पे है, यानी सब सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, क्यूब के सेंटर में एक एटम है, उसको कहते हैं बॉडी सेंटर। और अगर बॉडी सेंटर ना हो करके फेस के सेंटर में एक एक एटम हो तो उसको कहते हैं फेस सेंटर, FCC। एक हो गया BCC बॉडी सेंटर, एक हो गया FCC, यानी 8 तो कॉर्नर पे एटम है ही है, लेकिन सभी फेस पे, जो उसके 6 फेसेस हैं, 8 फेसेस पे एक एक एटम और बिठा दें तो हो गया फेस सेंटर। उसी तरह से टेट्रागोनल सिस्टम में भी होता है, टेट्रागोनल सिस्टम में केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो प्रिमिटिव हो सकता है, दूसरा बॉडी सेंटर हो सकता है, क्योंकि उसमें फेस सेंटर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फेस सेंटर पे अगर आप रख देंगे, क्योंकि क्यूबिक में क्या था, ABC बराबर था, हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक एक्सिस ABC, 3 एक्सिस होते हैं, और उन ABC के बीच के एंगल को हम थीटा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द 2 एक्सिस, AB के बीच, BC के बीच और CA के बीच में। तो ये 2, थीटा और ABC पैरामीटर्स को किस ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं उस एटम के लिए, उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, बाय यूजिंग मॉलिक्यूल और यूजिंग एटम, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो पॉसिबिलिटी उसे शो करता है।
तो प्रिमिटिव इसमें पॉसिबल है और बॉडी सेंटर पॉसिबल है टेटा कैनल में। उसी तरह से अगर आप ऑर्थोरम्बिक में हैं, ऑर्थोरम्बिक में एक एक्स्ट्रा आ जाता है सी जिसको हम बोलते हैं, उसमें केवल दो फेसेस भी होते हैं, आमने सामने के दो फेसेस। जो अगर उसमें बी पैरामीटर बी एक्सिस को अगर आप सेकंड एक्सिस ले लें तो बी एक्सिस का जो फेस होगा केवल दो होंगे, उसमें अगर एक एटम और एक्स्ट्रा आ गया उसको हम कहते हैं फोर्थ ऑर्थोरम्बिक का। इस तरह से हेक्सागोनल में केवल एक पॉसिबिलिटी है, टेटागोनल में केवल एक पॉसिबिलिटी है, मोनोक्लिनिक में दो पॉसिबिलिटी है और ट्राइक्लिनिक में भी केवल एक पॉसिबिलिटी है जो प्रिमिटिव है। तो कुल मिला के 14 ब्रेवस लेटेसेस हो गए। सो देयर आर ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ 14 ब्रेवस लेटेसेस ऑफ दैट। पिछले 110 साल से अभी तक हमारे पास 15th ब्रेवस लेटेस पॉसिबिलिटी नहीं खोज पाए हैं, और जिस दिन हो जाएगा शायद वो नोबेल प्राइज विनर हो जाएगा अगर कोई 15th ब्रेवस लेटेस ढूंढ लेता है। लेकिन ये इतना आसान इसलिए नहीं है कि अगर इन 14th को लगाते हैं सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे मेटेरियल इसे सॉल्व हो जाते हैं, तो बचा नहीं है सिस्टम, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑलवेज ओपन फॉर न्यू पीपल आर यंग जनरेशन। सो द नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है कि आप ही लोगों में से कोई 15th ब्रेवस लेटेस ढूंढ लें एंड देन इट विल बी ए नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी। ओके, सो दिस इज बेसिकली द मेन थिंग इन सिमेट्रिक सिस्टम, जो कि अगर आप बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके ब्रेवस लेटेस समझते हैं, उसके सिमेट्री समझते हैं, तो आप सारी के सारे मेटेरियल्स की, उन पर्टिकुलर मेटेरियल्स की एप्लीकेशन वाइज उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन दिस मेटेरियल कैन बी गुड, दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन दिस मेटेरियल कैन बी मच बेटर देन द प्रीवियस मेटेरियल एंड ऑल दैट। यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटीरियल्स डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटीरियल। उसके सिमेट्री एलिमेंट्स अगर आपको आते हैं, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको आते हैं, उसके बेसिक ब्रेविस लेटिसेस की क्या फॉर्म है वो अगर आपको आते हैं, उसके एप्लीकेशन को आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आप कल एक नया टर्म आया है, जैसे मैंने बोला था सिंगल क्रिस्टल में, वेर वी हैव ए शॉर्ट एज ऑर्डर बट एट द सेम टाइम द लेंथ इज वेरी स्मॉल, दैट इज नैनोमैटर्स। नैनोमैटर्स बेसिकली क्या होता है, द मटीरियल्स इन हैविंग डायमेंशन इन नैनो स्केल। जिस मटीरियल्स की डायमेंशन नैनो स्केल में होती है, नैनो मीन्स व्हाट, 1 billionth ऑफ ए मीटर, एक मीटर का 1 billionth हिस्सा, यानी 10^-9 ऑफ ए मीटर इज कॉल्ड 1 nanometer। और अगर उसमें उस मेटल्स की डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं उसको हम नैनोमीटर्स बोलते हैं। नैनोमीटर्स बनाने के दो प्रोसेसेस हैं बेसिकली, द टॉप डाउन मेथड एंड द बॉटम अप मेथड। मीन टॉप डाउन मीन्स यू हैव ए लार्जर साइज ऑफ दैट मटीरियल, क्रश दैट एंड गो टू द नैनो स्केल। दूसरा है यू हैव द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ दैट मटीरियल, come up with those materials and form a crystal, arrange in such a way that you can get the nanomaterials. So these two are basic techniques for making these nanomaterials. So you can make nanomaterials either by top-down process or the bottom-up process. Now, why nanomaterials or nanotechnology is so cool? I will give few examples which will tell you ki ye actually itna important hai kyun nanomaterials. और इसको बेसिक एक जनरल लेवल पे, लेवल लेवल पे भी इसको समझा जा सके। जैसे मैं एक एग्जांपल गोल्ड का दूंगा। गोल्ड जनरली गोल्डन कलर होता है, कब होता है, जब वो बल्क में होता है। जैसे हम लोग गोल्ड का कुछ खरीद रहे हैं तो हमें वो दिखता है कि येलो है, हाँ गोल्ड है, गोल्डन कलर है, हाँ गोल्ड है। लेकिन आपको ये नहीं पता शायद अगर इसका साइज छोटा कर दिया जाए, नैनो स्केल में चला जाए, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 nanometer गोल्ड के पार्टिकल हैं, और अगर पूरा का पूरा गोल्ड 100 nanometer पार्टिकल के साइज से बना हुआ है तो ये जो है आपका पर्पल होता है। लेकिन अगर आप कहीं ज्वेलरी खरीदने जाएं या दुकान में सोना खरीदने जाएं, वो आपको पर्पल कलर का पीस दे दे, यस गोल्ड ले लीजिए, आप कभी नहीं खरीदेंगे, आप बोलेंगे तो गोल्ड है नहीं, बिकॉज यू नो द गोल्डन कलर इज ऑलवेज येलो। देन इफ यू गो टू 20 nanometer साइज इट इज रेड, इफ यू गो 1 nanometer साइज इट इज येलो, and if you go down to 1 nanometer it is black. If somebody is giving you black material and he is telling you it is a gold, you will never accept that, but that is true, that is, it is a gold, but only thing is size is less, size is smaller than the micron size. If it is in micron size, gold have only one color, that is golden color, but if you reduce the size of those particles, the color changes from golden to black, which one has to accept that the size changes the band structure. Means क्या होता है, साइज चेंज बैंड स्ट्रक्चर चेंज होता है,
और अगर वो 10 नैनोमीटर से छोटा है, 100 नैनोमीटर से छोटा है, तो बैंड स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाता है। एब्जॉर्प्शन चेंज होने का मतलब क्या होगा, बैंड गैप चेंज हो जाता है। बैंड गैप चेंज होने की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल सेलेनियम का दिया। सेलेनियम भी कई कलर शो करता है, 7 नैनोमीटर से लेकर 3 नैनोमीटर पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन उठना है तो इट विल गिव रेड कलर टू ब्लू कलर, इट चेंज द कलर। एक एग्जाम्पल बहुत शानदार है, 4th century BC का है, एडी का है, जो कि ग्रीस ने बनाया था, एक लाइगेजस कप। उनको पता नहीं था जब उन्होंने कप बनाया था, ये किसी स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने केवल कोटिंग कर दी थी कोलाइडर गोल्ड और सिल्वर की। बट जब देखा उन्होंने कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट में ग्रीन दिखता है, ट्रांसमिटेड लाइट में रेड दिखता है, तो उन्होंने सोचा कोई मिरेकल है, पता नहीं कोई गॉड है, दे टोल्ड दैट ओके इट इज सम गॉड एंड इट इज चेंजिंग द कलर, बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट। नाउ इट हैज कम टू पीपल हैड अंडरस्टैंड दैट, साइंटिस्ट हैड अंडरस्टैंड दैट, कि इसमें ये जो सिल्वर और गोल्ड जो कोलाइडर सॉल्यूशन को उन्होंने पॉलिश किया था वो नैनो साइज में था, और नैनो की वजह से वो कलर चेंज हो रहा था कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट में और ट्रांसमिटेड लाइट में दोनों कलर अलग अलग शो कर रहा था। नाउ कार्बन नैनोट्यूब्स, कार्बन नैनोट्यूब्स इसलिए इंपॉर्टेंट आजकल हो गए हैं कि उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। कार्बन नैनोट्यूब बेसिकली कार्बन के फाइबर बनाए, उसका साइज नैनो में रखे, दे आर कार्बन नैनोट्यूब्स। वो सिंगल वाल भी हो सकता है, डबल वाल भी। आजकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगर बॉडी में किसी सेल पे अगर ड्रग्स डायरेक्ट डालना है, जैसे कैंसरस सेल है, तो पूरे बॉडी को अगर आप केमो देते हैं तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तब उसके बजाय जहां जिस सेल में कैंसर है उसी सेल में अगर ड्रग डिलीवर करें कार्बन नैनोट्यूब से करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल एक रिसर्च हो गई है कार्बन नैनोट्यूब। और उसके कई एप्लीकेशंस मैं आपको इस स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ कि इसके कई सारे एप्लीकेशन, चाहे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन हो, चाहे बायोलॉजिकल एप्लीकेशन हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे मेडिकल के लिए हो, देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट सेल्स। और एक शानदार एप्लीकेशन है क्लॉथ के लिए आजकल होता है कि अगर आप उनके फाइबर के क्लॉथ बनाएं, जैसे कि हमारे जो स्पेस में जो एस्ट्रॉट्स होते हैं वो पहनते हैं, तो उसमें कभी डस्ट नहीं लगता, कभी कुछ चिपकता नहीं है, तो गंदे भी नहीं होते। अगर उनको एक साल के लिए जो है स्पेस स्टेशन पे रहना है, सो दे कैन नॉट वॉश देयर क्लॉथ्स देयर, सो दे यूज कार्बन फाइबर के जो क्लॉथ होते हैं नैनो में उसको यूज करते हैं, तो इसलिए वो साल भर उसको पहन सकते हैं, तो उसमें उनको ना धोने की जरूरत है, ना उस पर डस्ट लगता है, ना मैल लगता है। सिमिलरली जो नैनो पार्टिकल प्रोब्स होते हैं, मैंने जैसे बोला कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम में डायरेक्टली यूज होते हैं, कि आप सेल पे इस तरह से ड्रग डिलीवर कर सकते हैं, और उस सेल को रिपेयर करने के लिए, अगर ड्रग डायरेक्ट या किल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ड्रग को डायरेक्टली आप सेल में डाल सकते हैं। सो यू नीड नॉट टू हैव टोटल केमो करने की जरूरत नहीं है, टोटल बॉडी को दवाई देने की जरूरत नहीं है, उसी सेल को जो सेल डैमेज है, जो कैंसरस है, वहाँ आप डायरेक्टली ड्रग डाल सकते हैं, एंड इट कैन रिपेयर दैट और इट कैन किल दैट सेल और उसको आइसोलेट कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा आजकल सिस्टम हो गया नैनो प्रोब्स के रूप में, और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट काम मेडिकल साइंस में आजकल जो कार्बन नैनोट्यूब्स का, वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा था, कि मैंने एक जनरल एस्पेक्ट जो मेडिकल साइंस का है, पार्श्वायु से लेकर आज हम डीएनए स्ट्रक्चर तक मैंने उसको रखा, और उसके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है उसके डिफरेंट यूज है, मेटल्स के डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में हो, चाहे उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर के रूप में हो, उनके क्या क्या यूज हो सकते हैं, मैंने वो रखने की कोशिश की। मैंने कोई एग्जाम्पल इसमें साइड किया, जैसे कार्बन का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से मैंने पाषाण के साथ में डीएनए स्ट्रक्चर तक में पहुंचा। ये सब इसलिए कि ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि मेडिकल साइंस का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, और वो इंपॉर्टेंस क्यों हुआ है, उसके लिए स्ट्रक्चर बहुत रिस्पॉन्सिबल है, सिमेट्री बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में इसको रखा। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।